नाजरीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जानकर अहलिया ने रेचुर को मसरत होगी कि रेचुर के एक मौलाना गुज़िश्ता 24 घंटों में काफ़ी मशहूर और मकबूल हो चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़े कन्नड़ न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी मशहूर हुए हैं और उन्हीं की चर्चा चारों तरफ चल रही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिजाब के ताल्लुक से ये कहा कि ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर CDC है और जहाँ पर यूनिफॉर्म की पाबंदी है वहाँ पर लड़कियों को बेहिजाब जाना चाहिए और कॉलेज में अंदर जाने के बाद वो अपना हिजाब उतारकर क्लासरूम में उन्हें जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त आपने एडमिशन लिया था उसी वक्त आपको ड्रेस कोड था, उसको कबूल करते हुए आपने एडमिशन लिया था, लिहाजा उसका एहतराम करना चाहिए, अपने ड्रेस का एहतराम करना चाहिए, साथ ही साथ कोर्ट के फैसले का एहतराम भी करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जब अपनी बात की दलीलें पेश करनी शुरू कर दी तो एक मौके पर उन्होंने कन्नड़ फिल्म के एक गाने को अपनी दलील बनाकर पेश की और बताया कि अपनी रियासत से मोहब्बत करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इनका ये इंटरव्यू काफ़ी मशहूर हो रहा है और हमने गौर किया कि तकरीबन 2 लाख अफराद इस इंटरव्यू को देख चुके हैं। हमें उन पर कोई तनकीद नहीं करना है, अगर हम उन पर तनकीद करने लगे तो लोग ये कहेंगे कि कैसे मीडिया वाले हैं कि उलमा पर भी तनकीद करना नहीं छोड़ते। लेकिन क्या करें कि दिल में कौम का दर्द एक अजीब हमने पाल रखा है, जब कभी भी कौम के ताल्लुक से कोई गलत कहता है तो हम ना जाने कहाँ से वो दर्द ठेस बनकर हमारे दिल में फंसता है और जब तक हम नहीं सुनाए हमारा दिल खामोश भी नहीं बैठता। मजबूरी है इसे तनकीद ना समझी जाए बल्कि ये समझा जाए कि एक मामूली से नवा निगार का एक तबसरा है। मुझे ऐसा लगता है कि उलमा इकराम को जब कभी भी किसी चीज़ की दलील देना हो तो उन्हें कुरान और अहादीस से दलील देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिन कबल जब ये हिजाब का मसला उठा था तो हमारे एक दोस्त फेरोज जिलानी ने मुझे मशवरा दिया था कि आप सूरह नूर को तर्जुमे के साथ पढ़िए। इसी तरह एक और साहब ने मुझे मशवरा दिया कि सूरह अलहज़ाब को तर्जुमे के साथ पढ़िए। दोनों सूरतें मैंने पढ़ी हैं और उनका तर्जुमा भी मैंने देखा है। उसमें सूरह नूर में खुसूसी तौर पर साफ साफ ये लिखा है कि तुम अगर शादियां करो तो पाक दामन खवातीन के साथ शादियां करो और पाक दामन खवातीन का डेफिनेशन भी उस सूरह में है। उसमें पाक दामन खवातीन को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जिस्म के तमादा को छुपाए पोशीदा रखे, खुसूसी तौर पर ऐसे आज़ाद जहाँ पर वो जेवर पहनती हो, यानी कान नाक गला सीना वगैरह, इन तमाम चीज़ों को पोशीदा रखने की हिदायत दी गई है। अगर मौलाना इंटरव्यू देने से कबल सूरह नूर को पढ़ लेते या सूरह अलहज़ाब को पढ़ लेते तो उनके इंटरव्यू का रंग शायद कुछ और होता, कुछ और निराला होता या फिर उसमें कुछ और निखार आ सकता, ऐसा मेरा मानना है। वजह ऐसे करने के उन्होंने शायद फिल्मों का मुताला किया, फिल्मी गानों का मुताला किया। यही वजह है कि जब वतन से मोहब्बत की बात याद आई तो उन्हें कन्नड़ फिल्म का गाना याद आया। काश कि उन्हें वो हदीस याद आ जाती जिसमें ये कहा गया कि अपने वतन से मोहब्बत करो। बहरहाल नाज़रीन, ये तबसरा मैं करना भी नहीं चाहता था लेकिन इसकी एक वजह यह है कि बेंगलुरु के एक मुस्लिम खायद ने मुझे एक क्लिप भेज दिया और क्लिप देखने को कहा। उसके बाद उन्होंने अपनी बरहमी का और शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या वो इमाम है या फिर उनके सख्त अल्फाज को देखने के बाद मैं एक क्लिप देखने पर मजबूर हुआ। क्लिप देखने के बाद मुझे भी ये ख्याल आया कि उलमा इकराम को हमेशा से कुरान अहादीस और औलिया इकराम के वाकयात और दीगर इस्लामी बातों के हवाले देना चाहिए और हिजाब के बारे में कहने से पहले कुरान और हदीस को ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही साथ आप एक सेकुलर मुल्क में ज़रूर रहते हैं, सेकुलर मुल्क में सेकुलरिज्म को किस तरह बरकरार रखा जाना चाहिए, किस तरह कानून के नुकात को बयान किया जाना चाहिए, ये हमारे कायदीन और मुतला की बातें हैं। ये उन्हीं पर अगर छोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। मेरा ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि उलमा को ख़यालत नहीं करना चाहिए, बल्कि उलमा हमारे रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्हें ही हमारी ख़यालत करना चाहिए। लेकिन ख़यालत करते वक्त उन्हें इस बात का भी लिहाज करना चाहिए कि इस्लाम ने इस सिलसिले में क्या कहा, उसकी मुकम्मल जानकारी हासिल करने के बाद ही किसी मीडिया में कहना चाहिए। बहरहाल हमारे मौलवी साहब ने जो कुछ भी कहा उसको कन्नड़ मीडिया ने हाथों हाथ लिया और तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद ने उनकी इस इंटरव्यू को देखा और ये पूरी रियासत में फैल चुका है, बैरूनी रियासत भी शायद पहुंच चुका हो। और हमने अपने कमेंट्स भी देखे, कई गैर मुस्लिमों ने इस इंटरव्यू को काफ़ी सराहा और उन्होंने कमेंट्स में ये भी लिखा है कि अगर धर्मगुरु हो तो इस तरह के होने चाहिए, वरना कुछ मौलवी नहायत दखलअंदाज़ ख्याल के होते हैं। बहरहाल एक रोशन ख्याल मौलवी हमारे शहर रेचूर में भी है, जिसके लिए हम अहलिया ने रेचूर को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि वो उड़ुपी कितना बदनसीब होगा जहां ऐसे रोशन ख्याल मौलवी नहीं हैं, जहां हिजाब का मसला 2021 के 25 दिसंबर से शुरू हुआ, यानी तकरीबन 2 माह का अरसा होने को आया
वहाँ पर कुछ पागल बच्चियाँ हमारी कौम की ऐसी हैं जो हिजाब के लिए जिद कर रही हैं, कॉलेज के गेट पर टंगी पड़ी रहती हैं, कॉलेज के गेट पर ठहरी हुई रहती हैं तकरीबन ये 5 से 8 बच्चियाँ। उसके बाद कुंदापुर की जो बच्चियाँ हैं वहाँ पर भी वो बच्चियाँ कॉलेज के गेटों पर कॉलेज के सहन में कॉलेज की गैलरी में बैठी ठहरी हुई नज़र आ रही हैं और ये ज़िद्दी बच्चियाँ हैं कि जिद कर रहे हैं। काश कोई ऐसा रोशन ख्याल मौलवी वहाँ भी होता तो वो उन बच्चियों को कह देता, अम्मा नीनू कॉलेज ड्रेस कोड नंबी दीरी दयबिट्टू नीव इदन्नु पालिसिरी जा बिट्टू क्लास नल्ली जॉइन माडिरी निम्म भविष्य रूपिसिकोळ्ळिरी। याने वो ये कह देते कि बेटी हो तुम क्यों जिद कर रही हो, अब तुमने जब ड्रेस कोड को कबूल कर ही लिया है तो बराए मेहरबानी कॉलेज में अंदर जाओ और अपने और कॉलेज में जहाँ पर इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर अपने हिजाब को उतारो और बेहिजाब होकर क्लासरूम में चले जाओ। हम कितने खुशनसीब हैं जिला रायचूर वाले और कितना बदनसीब है उडुपी कुंदापुर और वहाँ के लोग।